नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महाशक्तिशाली टूर के चैनल। आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। नवरात्रि में मुख्य दरवाजे पर टांग दें ये बस एक छोटी सी चीज, फिर देखें कमाल, रातों रात आप कैसे हो जाते हैं मालामाल। जी हाँ दोस्तों, आपको केवल कुछ चीजें हम बताएंगे, आपको वह चीजें अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांगनी है, फिर आप देखेंगे कि रातों रात कैसे कमाल होता है, कैसे आप मालामाल होते हैं। इस बार नवरात्रि का पावन पर्व 3 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 3 अक्टूबर से नवरात्र शुरू होंगे एवं 11 अक्टूबर को नवरात्रों का नौवीं तिथि के साथ ही समापन होगा और 12 अक्टूबर को विजयदशमी का पावन त्योहार मनाया जाएगा। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद अष्टमी या फिर कुछ लोग नवमी को कन्या पूजन करके माँ के भक्त अपना व्रत खोल लेते हैं। नवरात्रि में माँ भक्तों के घर में विराजमान होती है। माना जाता है कि यदि इन 9 दिनों में कुछ उपाय किए जाएं, तो इससे घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। इसके बाद माँ घर में विराजमान होकर भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। जान लीजिए आज आप इस वीडियो के द्वारा कि वो उपाय कौन से हैं जिनसे दूर होंगे आपके सारे घर के वास्तु दोष और घर में माता लक्ष्मी का विराजमान निश्चित होगा और आप बनेंगे मालामाल। दोस्तों, घर के मुख्य दरवाजे पर बनाएं ये निशान। कौन सा निशान, अभी आपको बता देते हैं। नवरात्रि के समय घर के मुख्य दरवाजे पर आप यदि स्वास्तिक का निशान बनाते हैं, तो इससे आपके घर का वास्तु दोष खत्म हो जाता है। और इसके अलावा भगवान गणेश जी का चित्र भी लगाना चाहिए। मान्यता इस प्रकार है कि इससे घर में आने वाली तमाम तरह की नकारात्मक चीजें यानी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर रहती हैं। टोने टोटके, बुरी नजर, किसी का किया कराया इत्यादि कुछ भी प्रकार की कोई भी गलत चीजें आपके घर में प्रवेश नहीं करती। दोस्तों, हम हर एक व्यक्ति परिश्रम करता है, परिश्रम करने से उसको उसका फल नहीं मिलता। यदि उसको उसके परिश्रम का फल मिले तो वो स्वयं ही मालामाल हो जाएगा, उसे किसी भी उपाय या टोटके की जरूरत नहीं है। अब ना होने का कई कारण होते हैं, जैसे कि किसी की बुरी नजर लगना, हाय लग जाना, या फिर किसी का कोई हमसे चिढ़ करके कोई हमारे पर गलत कार्य करवा देता है। इस प्रकार से हमें वो कामयाब नहीं होने देता, हमें हमारे परिश्रम का पूरा फल नहीं मिलने देता। तो इसीलिए आज हमने आपको इस टोटके को बताया है ताकि आप ये करें तो आपके घर में कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश ही नहीं करेगी और आपको आपके परिश्रम का पूरा फल मिलेगा। दोस्तों, केवल आप इतना सोच लीजिए कि यदि आप कमाते रहें और खर्च ना करें तो आपका घर एक दिन नोटों से भर जाएगा। तो यही सब चीजें हैं जिसमें आपको परिश्रम का पूरा फल मिले और साथ ही आपको आपके घर में जो पैसा आ रहा है वो व्यर्थ ना जाए, बेफिजूल की खर्ची ना हो, सिर्फ जरूरत की चीजें खर्च हो, बेफिजूल में पैसा आए तो घर में टिके। इसीलिए आज हम आपको दूसरा उपाय बता रहे हैं, आम और अशोक के पत्ते की माला बनाना। जी हाँ, नवरात्रे में 9 दिन तक घर से नकारात्मकता दूर करनी है तो मुख्य दरवाजे पर आम और अशोक के पेड़ के पत्तों की माला बनाएं और इसके बाद मुख्य दरवाजे पर इसे टांग दें। इससे आपको जो आपके घर के जो व्यर्थ खर्चा होता है और जो नकारात्मक ऊर्जा है, इन दोनों में आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, आपको अब अंत में एक ऐसा अचूक टोटका बताने वाले हैं, यदि आप ये दोनों उपाय करने में असमर्थ हैं तो आप एक छोटा सा उपाय जो अब हम आपको बताने वाले हैं केवल वो कर लीजिए और उसके बाद देखिए कि आपको किस प्रकार से मालामाल बनाएंगी माता रानी खुद। दोस्तों, आपके मुख्य दरवाजे पर बनाए लक्ष्मी जी के पैरों के निशान। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों के घर में आपने देखा होगा कि प्रवेश द्वार पर लक्ष्मी जी के पैरों के निशान बने होते हैं। ऐसा इसलिए बनाया जाता है दोस्तों कि घर में सुख और शांति बनी रहे। इसलिए दोस्तों, नवरात्रे में यदि आप लक्ष्मी जी के निशान बनाते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपके घर में लक्ष्मी जी का प्रवेश हो रहा है और इससे आपके घर में सुख और शांति बनी रहती है और आपके घर में हमेशा लक्ष्मी जी विराजमान रहती है। लेकिन दोस्तों, लक्ष्मी जी के जो पैरों के निशान आप बनाएंगे, ये आप या तो बाजार से भी बने बनाए लेकर के आ सकते हैं, किसी भी पूजा की दुकान पर आपको 5 से 10 रुपए में मिल जाएंगे, या फिर अगर आप इसे महंगा खरीदना चाहें तो महंगा भी मिल जाएगा, सस्ता भी मिल जाएगा।
छोटे बड़े हर प्रकार के आकार के आपको मिल जाएंगे। आप किसी भी आकार के लेकर आ सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी पर निर्भर करता है। दूसरा दोस्तों, आपको ये किस प्रकार से लगाने, ये आपको ऐसे लगाने हैं कि जैसे आप अपने घर में प्रवेश कर रहे हो, यानी लक्ष्मी जी मान लो आपके घर में प्रवेश कर रही हो, तो घर में आते हुए, घर में प्रवेश करते हुए चिन्ह होने चाहिए, ना कि घर में से जाते। तो दोस्तों ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आपको इस वीडियो अगर अच्छी लगी हो ये वीडियो, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी लिखना ना भूले। दोस्तों यदि आप जय माता दी नहीं लिखेंगे तो हमें क्षमा करें, हम आपको ये गलत बोल रहे हैं कि आपके ऊपर माता रानी की कुदृष्टि भी हो सकती है। आप लिखेंगे तो आपके ऊपर माता रानी की निसंदेह सुदृष्टि आएगी और आपके जीवन में सुधार होगा। माता रानी लिखना, जय बजरंगबली लिखना, ये सब फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब करना भी फ्री है, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना भी फ्री है। तो दोस्तों फ्री में यदि आपको सब कुछ मिल रहा है तो आप क्यों देरी करते हैं। आप कृपया करके कमेंट अवश्य करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दिए हुए बेल के बटन को दबाएं ताकि आपको मिल सके हमारी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें इजाजत, धन्यवाद और जय बजरंगबली।